हेलो फ्रेंड्स, मैं सीला। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बची हुई रोटियों से नाश्ता, जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी, मज़ेदार और हेल्दी है ये। तो अगर आपको कुछ चटपटा और टेस्टी सा खाने का मन हो तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत जल्दी और आसानी से झटपट बन जाती है, तो आइए बनाते हैं इसे। तो नाश्ता बनाने के लिए ये मेरे पास कुछ 3-4 बची हुई रोटियाँ हैं। तो अगर आपके पास इस तरह से बची हुई रोटी है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो आप ताज़ी रोटी का भी नाश्ता बना सकते हैं। तो अब इसे हम साइड में रख देते हैं और आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया है और यहाँ पर लिया है मैंने बेसन। तो ये 1/2 कप बेसन है, इसे इस बाउल में डाल देंगे। तो बेसन की क्वांटिटी अपने नाश्ते के हिसाब से आप कम ज़्यादा ले सकते हैं। और इसमें हम कलर के लिए 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे इसमें, और 1/4 टीस्पून इसमें हम काली मिर्च पाउडर डालेंगे, और इसमें 1/2 छोटी चम्मच अजवाइन डाल देंगे। इसे इस नाश्ते में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और डाइजेशन के लिए इसमें हम डालेंगे 1 पिंच हींग। तो इन सबको डालकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और अब हम इसमें डालेंगे पानी और इसका एक बैटर तैयार करेंगे। तो पानी आप एक साथ बिल्कुल भी ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालें, नहीं तो इसमें गांठें पड़ जाती हैं, वो जल्दी फिर घुलती नहीं है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे बहुत अच्छे से फेंटते हुए इसका एक बैटर तैयार कर लीजिए। और अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे इसमें। तो तीखा इसमें आप अपने हिसाब से डालिए। और 1 इंच अदरक के टुकड़े को बारीक बारीक चॉप कर रखा है, इसे हम इसमें डाल देंगे। और 1 मीडियम साइज के प्याज को बारीक बारीक चॉप कर रखा है, इसे भी हम इसमें डालेंगे। और इसी के साथ थोड़ा सा पानी इसमें और डाल देंगे। तो इन सबको डालकर 2 से 3 मिनट के लिए इसे अच्छे से फेंट लीजिए। तो ये देखिए, बैटर एकदम तैयार है। तो अब इसमें हम फ्रेश धनिया डाल देंगे और इसे डालकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो ये देखिए दोस्तों, ये बैटर हमारा तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, ना ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है और ना ये बहुत ज़्यादा पतला है। तो इस तरह से इस घोल को तैयार करना है आपको। तो इसे अब हम रख देते हैं रेस्ट होने के लिए 12 से 15 मिनट के लिए। तो ये देखिए दोस्तों, 15 मिनट हो गया है इसे रेस्ट होते हुए। तो इसे एक बार मिक्स से इसे अच्छे से और फेंट लीजिए और इसे एक बार चेक कर लीजिए। अगर ये गाढ़ा है तो थोड़ा सा इसमें आप पानी मिला दीजिए, पर ये बैटर एकदम परफेक्ट है। तो अब चलिए हम इसका नाश्ता बना लेते हैं। तो नाश्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक नॉनस्टिक पैन लिया है। तो इस तरह का नाश्ता नॉनस्टिक पैन में काफ़ी बेटर रहता है बनाने में। और गैस का फ्लेम हमने ऑन कर लिया है और फ्लेम को एकदम लो रखना है। तो इस पर हम लगा देंगे थोड़ा सा घी। तो इसे मैं देसी घी में बना रही हूँ, पर आप चाहे तो इसे बटर या फिर जो भी कुकिंग ऑयल यूज करते हैं उसमें आप बना सकते हैं। तो इस पर अब हम डालेंगे बेसन का घोल जो हमने पहले से बना कर रखा था। तो 2 से 3 चम्मच भर के बैटर इस पर डाल देंगे और इसे रोटी के शेप में इस तरह से फैला दीजिए। और इस पर अब हम रख देंगे ये रोटी। तो ये ऊपर वाला साइड जो है ना रोटी का, इसे इसके ऊपर रखना है और इसे हल्के हाथों से प्रेस कर दीजिए। और इसके चारों तरफ ऊपर से हम घी लगा देंगे और इसे नीचे से अच्छे से पकने देंगे जब तक कि इसमें एक अच्छा सा गोल्डन कलर ना आ जाए और ये नीचे से एकदम अच्छे से पक ना जाए। तो गैस का फ्लेम यहाँ पर एकदम लो रखना है ताकि बेसन अंदर तक अच्छे से पक जाए। तो अब इसे पकते हुए 2 से 3 मिनट हो गया है, इसे हम पलट देते हैं। तो ये देखिए कितना प्यारा गोल्डन कलर आ गया है इस पर, और ये बहुत अच्छे से पक भी गया है। तो अब हम इसके ऊपर लगाएंगे सेजवान चटनी। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे सेजवान चटनी लगा रही हूँ इसके ऊपर। आप चाहें तो इसके ऊपर ग्रीन चटनी या फिर टोमेटो सॉस, जो भी चटनी आपको पसंद है इसके ऊपर आप लगा लीजिए। और इसके ऊपर अब हम डाल देंगे पनीर। तो मैंने यहाँ पे थोड़े से पनीर लिया है, इसे ग्रेट कर लिया है, इसके ऊपर हम डाल देंगे, अच्छे से फैला देंगे इसके ऊपर। तो अब इसके ऊपर थोड़ा सा ओरिगैनो डाल देंगे, अगर आपके पास ये है तो डालिए, नहीं तो काली मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं आप इसके ऊपर। और साथ ही साथ थोड़े से चिली फ्लेक्स या फिर लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे इसके ऊपर। और अब हम इसके ऊपर चीज़ ग्रेट करके डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे अमूल का एक क्यूब्स लिया है, आप चाहे तो इसके ऊपर मोजरीला चीज़ भी डाल सकते हैं। तो अब थोड़ा सा ओरिगैनो इसके ऊपर और हम डाल देंगे, इसे इस नाश्ते में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और इसे अब हम फोल्ड कर देंगे। तो ये प्रोसेस करने में गैस का फ्लेम फ्रेंड्स आप एकदम सिम रखिए या फिर गैस का फ्लेम एकदम बंद कर दीजिए। और इसे इस तरह से स्पैचुला से हल्का हल्का सा प्रेस कर दीजिए ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और इसके ऊपर अब हम घी लगा देंगे और इसे उलट पलट कर क्रिस्पी और गोल्डन होने तक सेक लेंगे। तो फ्रेंड्स, जब ये एक तरफ से अच्छे से सिक जाए तो इसे आप दूसरी तरफ से पलट दीजिए। और गैस का फ्लेम यहाँ पर लो मीडियम रखना है। तो आप देख सकते हैं इसमें बहुत प्यारा कलर आ गया है और ये बहुत अच्छे से सिक गया है और ये सिक कर बहुत अच्छे से सेट भी हो गया है। तो इसे अब हम निकाल लेते हैं और इसी तरह से हम एक और नाश्ता बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जब आप दोबारा से नाश्ता बनाएं तो पैन बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा लीजिए और अपने रोटी के साइज़ के अकॉर्डिंग इसमें बैटर डाल दीजिए। और जितनी बड़ी आपकी रोटी है उस हिसाब से इसे अच्छे से डालकर फैला लीजिए और फटाफट इसके ऊपर रोटी रख दीजिए। और फिर इसके ऊपर चारों तरफ से अच्छे से ऑयल लगा दें और जब ये नीचे से अच्छे से सिक जाए तब इसे आप पलट दीजिए इस तरह से।
और आप अपनी पसंद की इसके ऊपर चटनी या सॉस जो भी आपको पसंद है इसके ऊपर लगा सकते हैं आप। और आप इसे बगैर पनीर और चीज़ के भी इस तरह से टमाटर, प्याज, गाजर, जो भी सब्जी आपको पसंद है इसके ऊपर इस तरह से डाल दीजिए। और अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा चीज़ भी डाल दूंगी। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो इस तरह से चीज़ डालकर इसके ऊपर अब हम ओरिगेनो और चिली फ्लेक्स थोड़ा सा डाल देंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इस नाश्ते में। और इसे डालकर इसे हम इस तरह से अच्छे से फोल्ड कर देंगे और इसे लो मीडियम फ्लेम पर अच्छे से आप सेक लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये नाश्ता बहुत कम समय में, बस 4 से 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। और इसे बनाने में ऑयल भी बहुत कम लगता है। तो अगर आपको कम ऑयली और हेल्दी खाना पसंद है तो ये आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो जब आपको कुछ अच्छा और चटपटा सा खाने का मन हो तो इसे आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये नाश्ता हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए इसे अब हम सर्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसे हम कट कर लेंगे। तो इसके मैं 2 पीस कर रही हूँ, आप चाहें तो इसके और भी ज़्यादा पीस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप सुबह के नाश्ते, शाम की चाय या फिर बच्चों के टिफिन के लिए आप बना सकते हैं। इसे आप चटनी या सॉस किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी, यमी और मज़ेदार लगेगा। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे इसी तरह से एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।